हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने आपकी रेन ड्रॉप बुक किया एक 12th चैप्टर पढ़ा था। क्या था वो चैप्टर? द मंकी एंड द एलिफेंट। दो दिन आपने उसकी वर्कशीट भी की थी, आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ आ गया ना, और आपने उसकी वर्कशीट भी अच्छे से करी। तो आज हम आपकी रेन ड्रॉप बुक का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है गोइंग टू द फेयर। Going to the fair। अच्छा, fair क्या होता है? Fair होता है मेला। जैसे आपके गांव में और आपके शहर में मेले होते हैं ना, आप लोगों को मेला बहुत पसंद आता होगा। क्यों? क्योंकि मेले में बहुत सारी चीज़ें होती है, झूले होते हैं और कैमल ऊंट की सवारी होती है, हाथी की सवारी होती है। जैसे सोलन में शूलिनी माता का मेला होता है ना, फिर सारे बच्चे उसमें जाते होंगे आप लोग, जो सोलन के बच्चे होंगे। इसी तरह से हर जिले में अपने अपने फेमस बहुत से मेले होते हैं, और आपके गांव में भी छोटे छोटे लोकल मेले होते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है? सभी बच्चे अपनी बुक निकालो और इस चैप्टर को पढ़ो। यस्टरडे देयर वॉज अ फेयर इन नरेला। नरेला वो जगह है जहाँ पर वो मेला था। पिछले कल नरेला में एक मेला था। पीपल केम फ्रॉम देयर फार अवे प्लेसेस। There were many shops and stalls। जो लोग थे बहुत दूर दूर से, फार होता है दूर 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 जगहों से मेले में आए थे, और मेले में बहुत सी दुकानें और stalls थे। People were buying and selling things। लोग चीज़ें खरीद और बेच रहे थे। आपने देखा होगा ना, मेले में छोटे छोटे दुकानें लगी होती हैं, छोटे छोटे खिलौनों की, बहुत सारी चीज़ों की, ठीक है? तो इसी तरह से उस मेले में भी ऐसा ही था। There were shops selling sweets, clothes and toy। वहां पर कौन कौन सी दुकानें थी जो क्या बेच रही थी? स्वीट्स, मिठाई, क्लोथ्स, कपड़े, टॉयज, खिलौने। बहुत सी दुकानें थी जो कि मिठाई, कपड़े और खिलौने बेच रही थी। चिल्ड्रन ब्रॉट टॉयज फ्रॉम द शॉप्स। बच्चे दुकान से क्या खरीद रहे थे? खिलौने। दे वेंट फॉर अ राइड ऑन द मैरी गो राउंड। ये देखो, मैरी गो राउंड क्या होता है, देखा है आपने मैरी गो राउंड? ये देखो, ये होता है मैरी गो राउंड, जिसमें घोड़ा भी होता है, कई बार उसमें कई और भी झूले टाइप का कुछ होता है, जिसमें आप बैठ के राउंड राउंड में घूमते हैं, है ना, होता है ना, उसे मैरी गो राउंड कहते हैं। तो बच्चे उसकी सवारी कर रहे थे। सम चिल्ड्रन वेंट ऑन द जायंट व्हील। कुछ बच्चे बड़े वाले झूले पे भी झूल रहे थे। दे सेट ऑन सीट्स अटैच टू द व्हील। वो व्हील पे जो अटैच सीट्स होती हैं उस पे बैठकर झूले को झूल रहे थे। उसके साथ जो सीट जुड़ी होती है उस पे बैठ के, और वो गोल गोल घूमता है ना झूला, बहुत बड़ा झूला होता है जिसमें बैठते हैं। एज द जाइंट व्हील टर्न्ड दे शाउटेड इन जॉय एंड फियर। जैसे ही वो बड़ा सा झूला घूम रहा था, वे जोर जोर से चीख रहे थे। ये होता है देखो जाइंट व्हील, देखो है ना, देखा है ना अपने मेले में होता है, इसमें बैठते हैं और ये गोल गोल घूमता है। तो जब बच्चे उसमें बैठ रहे थे तो वो खुशी से चीख रहे थे, खुशी से भी और डर से। ये है मैरी गो राउंड, और जिससे पहले मैंने आपको दिखाया वो क्या था? जाइंट व्हील, बहुत बड़ा व्हील, ठीक है? तो आपने मेले में, आप भी बैठे हो कभी मैरी गो राउंड में और जाइंट व्हील में? जब बैठे हो तो आपको जैसे डर भी लगता होगा और अच्छा भी लगता होगा। कुछ बच्चों को डर लगता होगा, कुछ बच्चों को अच्छा लगता होगा, तो आप चीख मारते हो ना। There were camel rides, elephant rides and horse rides too। वहाँ पे किस किस की सवारियाँ होती, किन किन जानवरों की? हाथी की, कैमल, ऊँट की, ये देखो घोड़ा, हॉर्स की, कैमल की और हाथी की। किस किस की सवारियाँ थी? ऊँट की, हाथी की और घोड़े की, ठीक है? People had a good time। जो वहाँ पे लोग थे उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, वो बड़ा इंजॉय कर रहे थे, वो बहुत अच्छा समय वहाँ पर बिता रहे थे उस मेले में। दे रिटर्न्ड होम आफ्टर सनसेट। वे कब वापिस आए थे? कब आए थे? जब सनसेट क्या होता है? सूर्यास्त, जब सूरज डूब जाता है, रिटर्न होता है। पीछे भी बताया था ना मैंने आपको वापिस आना, वे अपने अपने घर आ गए थे जब सूरज डूब गया था। जब सूरज डूब जाता तो अंधेरा हो जाता ना, इससे पहले सभी वो घर आ गए थे। तो आपको अच्छा लगा गोइंग टू द फेयर चैप्टर? तो ये चैप्टर आपने अच्छे सुना। देखो इसमें एक पिक्चर दी गई है, और पिक्चर में ही सभी कुछ डिस्क्राइब किया गया है जो आपको इसमें छोटी सी, हमें पिक्चर कॉम्पोजिशन भी कह सकते हैं। जैसे पिक्चर है, आपको भी हम अगर पिक्चर दे दो तो आप इसमें छोटा सा फेयर पे
एक छोटी सी कुछ लाइनें लिख सकते हो ना, वैसे ही ये जो पिक्चर दी गई है और इसमें आपको फेयर पर कुछ लाइनें लिखने को भी दी जाएगी, ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हो। तो ये एक पिक्चर कॉम्पोजिशन भी है, जैसे इसमें मैरी गो राउंड की पिक्चर दी गई है, सवारियाँ भी देखो किन किन एनिमल्स की सवारियाँ आप लिख सकते हो, कैमल राइड्स, एलिफेंट राइड्स एंड हॉर्स राइड्स, ठीक है, और झूले, अलग अलग तरह के झूले आप लोगों को भी मेले अच्छे लगते हैं ना, तो आई होप आपको ये मेले वाला चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। तो 3 दिन आपको इसी चैप्टर के ऊपर वर्कशीट आएगी, आपने इसे अच्छे से करना है, ठीक है। अब इस वर्कशीट के बाद, इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स और आपकी वर्कशीट जो आपको चैप्टर में ही है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसे ध्यान से सुनना और अपनी अपनी कॉपी पे कर अपने टीचर को व्हाट्सएप पे भेज देना। तो सभी बच्चे अब क्या करेंगे, अपनी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और मैं आपको ये अच्छे से वर्कशीट एक्सप्लेन करूंगी और सभी बच्चे उसे अपनी अपनी कॉपी पे कर अपने टीचर को व्हाट्सएप पे भेजेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, वर्कशीट, अब हम आगे इसकी, तो अब हम इसकी वर्कशीट करेंगे। फाइंड दीज वर्ड्स इन द बॉक्स वन हैज डन फॉर यू। आपको क्या करना है, जो वर्ड्स हैं इन्हें बॉक्स में ढूंढना है, सर्च करना है। जैसे पीपल, पहले आपको एक करके दिया गया ना, PEOPLE, ऐसे आपको और भी करने हैं। जैसे फेयर, फेयर आपको ढूंढना है और उसी तरह से उसको बॉक्स में बनाकर लिखना है कि आपने कैसे कैसे ढूंढा, ठीक है। ये आपकी बुक में है ना, आपको ये बुक में ही करना है, अपनी बुक खोलेंगे उसमें है, बुक में ही करके भेजना है। क्लोथ्स, होम, डॉल, ब्रदर, स्वीट, इवनिंग और हैप्पी, तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपको सारे वर्ड्स इसमें बुक में ही ढूंढ के उन्हें टीचर को उसी की फोटो खींच के भेज देना है, ठीक है, सभी बच्चे करेंगे। नेक्स्ट इज राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट अ फेयर दैट यू वेंट टू। ये मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि आपको मेले के बारे में लिखना आना चाहिए, जैसे आपको जाइंट व्हील के बारे में भी मैंने लिखने के लिए बोला था, तो ये अब मेले के बारे में लिखने के लिए है। जैसे आई हैव बीन टू डैश फेयर, किस मेले में गए हो आप, उस मेले का आपने नाम लिखना, आप अपने गांव का भी लिख सकते हो, जैसे नरेला फेयर था ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, शूलनी फेयर और कुल्लू फेयर, जो भी आपने लिखना है, ठीक है। देयर वर शॉप्स सेलिंग, उसमें कौन कौन सी शॉप्स थी वो लिखना है, क्या क्या आपने खरीदा, आई बॉट डैश एंड डैश, वो लिखना है, आई एट, जो आपने वहां पे खाया, और देयर वर डैश राइड्स एंड डैश राइड्स, आपने किस किस की राइड्स की वो लिखना है। आपको इसके बाद एक छोटा सा वीडियो मैं चलाऊंगी, उसे आप ध्यान से देखना, आपको उससे भी इसे करने में हेल्प मिलेगी। वो एक छोटा सा वीडियो है जो आपको एनिमेटेड वीडियो कार्टून वाला, वो उसे जरूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा और आप उससे इसको भर भी सकते हो, ठीक है। तो सभी बच्चे उस वीडियो को अपने ध्यान से देखेंगे। Many toys and bags.